चिंतपूर्णी में दोस्त के साथ आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों मिलने के लिए। वहाँ पे लंगर होगा, 12 बजे से चालू हो जाएगा लंगर। 12 बजे से 2 बजे तक सरकारी लंगर होता है, जो माता चिंतपूर्णी का लंगर होता है, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं वहाँ लंगर खाऊँगा, उसके बाद होगा तो आज दर्शन भी करूँगा। तो जो मैं चिंतपूर्णी का ब्लॉग बनाऊँगा, मैं आप लोग को दिखाऊँगा दर्शन का प्रोसीजर कैसे है, वहाँ पे टिकट कैसे लेना होता है। हम लोग दोस्त के साथ जा रहे हैं लंगर में, लंगर खाने के लिए चिंतपूर्णी का। चलिए दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है, लंगर हॉल का नज़ारा है। अच्छा, शूट कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा दोस्त लोग आ गया है, देख लीजिए। अभी मेरा दोस्त लोग सब पहुंच रहा है, अभी लंगर फिर साथ में आएंगे। एक उधर बैठ गया है, घूम भी गया सारा लंगर हॉल में। अभी सब 12 बजे से 2 बजे तक लंगर चलता है फिलहाल। हम लोगों ने लंगर कर लिया इसी, ये कौन सा हॉल है, लंगर हॉल में। और ऊपर ऊपर दर्शन पर्ची पार्किंग, ये लंगर हॉल है और ऊपर दर्शन पर्ची और पार्किंग के लिए भी आप यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे बस स्टैंड के ठीक सामने पड़ता है, ये ना है बस स्टैंड के ठीक सामने है। और ये चिंतपूर्णी के लिए स्पेसिफिक प्लेस है, यहाँ पे आप लंगर भी होता है, यहाँ पे पार्किंग भी होती है, और यहाँ पे चिंतपूर्णी जाने के लिए पर्ची भी मिलती है। चिंतपूर्णी में बारिश हो रही है और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। बारिश से यहाँ का माहौल बहुत ठंडा नवा हो गया है, जबकि अभी तो अप्रैल का मार्च लास्ट आने वाला है, लेकिन बारिश की वजह से मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और अभी आज 21 मार्च है। बारिश में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। चिंतपूर्णी बस स्टैंड से आप ज्वाला जी, कांगड़ा, धर्मशाला, दिल्ली, चंडीगढ़, इस सब के लिए यहाँ से बस मिलती है। आप यहाँ से आप इस सब जगह पे जा सकते हैं, यहाँ पे ये बस चलती रहती है।